लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले विश्वगुरु महात्मा बुद्ध की 2565वीं जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक उत्थान महासभा के तत्वाधान में मनाई गई। विश्वगुरु महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर खीर का भोग लगाया गया। साथ ही संविधान निर्माता विश्व प्रणेता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर ध्वजारोहण कर माल्यार्पण किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज उत्थान महासभा की ओर से विश्व कल्याण की कामना की गई, जिससे समाज में नई जागृति उत्पन्न हो और विश्व का कल्याण हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक उत्थान महासभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर कैंडल जलाकर पंचशील का पाठ किया गया, जिसमें वहां पर उपस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक उत्थान महासभा के संस्थापक जर्नलिस्ट योगेंद्र प्रताप सिंह, महासचिव शिव कुमार अरुण, एडवोकेट कोषाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, संगठन मंत्री राजनारायण, शिक्षक सलाह मंत्री जय प्रकाश, युवा समिति के अध्यक्ष गौरव कुमार, प्रवेश कुमार चमन, गौतम कुमारी निधि आदि लोग उपस्थित रहे।